नाजरीन तुसी देखते पे हो हजारेवाल चैनल और अज हम कलंदराबाद बिच और कलंदराबाद कबाबा के लिहाज न बहुत ज़्यादा मशहूर है। इतने बहुत टेस्टी कबाब होते हैं और ये प्रोग्राम जरा मैं करना है बहुत ज़्यादा फरमाइश आई है जेडे मेरे व्यूअर्स हैं जेडे देखते हैं सर रेगुलर होना है जी इनको भी प्रोग्राम करो और इनको साड़ी बड़ी प्यारी जुबान है नाजरीन और मैं अज इनको भी प्रोग्राम कर सा और नाल साड़ी कौमी जुबान उर्दू है उस असी ज़्यादा यूज़ करने इस चैनल बिच के काफ़ी सारे लोग जड़े असाने जड़े वो इनको नहीं समझते और ये चैनल है मेरा अल्लाह की मेहरबानी ना और तुसा दे तावन नाल पूरे वर्ल्ड बिच देखा जुलता है इस वजह तो असी ज़्यादातर उर्दू जुबान यूज़ करने हैं। तो चलो आज इन्हों कबाबा के बारे में कोई गलबात कर सा कि कबाब पूरी दुनिया में क्यों मशहूर हैं और इन्हों का टेस्ट किस है जी। नाजरीन हाजी शेर खान साहब असा नाल हूँ जेडे कलंदराबाद बिच काफ़ी पुराने साढ़े बुजुर्ग हैं जिन्हें इतने काफ़ी दुकाना जड़ियाँ हैं और काफ़ी शागिर्द हैं इन्होंने जिन्हें इतने किस्म का कबाब आजाद किया है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या ले जी लाला ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तुम मैं दसो कि कितने अरसे तो तुम इतने कबाब उते सारा 40 साल। अच्छा इसका मतलब तुम उसे जवान है? नहीं उस बिल्कुल बिल्कुल जवान है यंग। अच्छा कबड्डी खेलना है सुबह शराब लेवल से। अच्छा फिट हो गए। अच्छा ते मैं दसो कि ये मसाले जड़े इस कबाब बिच केड़े केड़े उस वेले तुसी अपनी जवानी में जड़े यूज करते हो वो दसो सा। भी हो ये कलंदराबाद में कोई दो चार बंदे नवे आए मानसर तो आगे पीछे उन्हां दा कबाब थोड़ा जे है बाकी है कि रंग कबाब है मर्चा ते तनिया कोई मसाला नहीं इसका सिर्फ कीमा खालस। ते इस दी लज्जत दा की राज है फिर? खालस चाहिदा हुंदी लज्जत है प्याज दे बेसन बेचो उसकी लज़त नहीं होती। अच्छा तुसी कलंदराबाद दे कबाबा दे वाले नाल किसी या कोई पैगाम देना चाहो? असी आखने हैं कि मेरा कबाब वास्ते कलंदराबाद दा सऊदी अरब तक जुलदा है सौगात समझ के लोग खाते हैं। छोटा जिहा बाजार है 26 दुकान है छोटे तो छोटा कबाब 20 किलो बेचता है तो बड़े तो बड़ा 7 मन गोश्त कबाब भी बेचता है। अच्छा डेली दा 7 मन तक? 7 मन तक भी बेचता है। माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया जी। क्या जी पालो ठीक? शुक्र अल्लाह का जी। और किधर पोल के आ गए हो? क्या ले जी लाला ठीक ठाक हाँ जी। अच्छा सर जी कलंदराबाद में तुसा दा कबाब बड़ा मशहूर है ना ते इसकी के खास वजह है जी? अस के गोश्त पापा देने लोगों को खाली जुल दिन बस के खास है तुसा सामने लगे थे ए तुसा दी मजाकिया गला भी बड़ी मशहूर हन ते है गपशप लाने वाले तुसी बंदे हो तुसी। अच्छा ते तुसा कोलो इथो केड़ी केड़ी जाई तो लोग आंदे न कबाब खाने वास्ते? तो पूरे पाकिस्तान विचो भी आंदे न बाहरो भी आंदे न। नाम सर जी किड़ी जाई तो आए हो? असी इटवाद तो आए हैं सर मंडिया तो। अच्छा मंडिया तो तुसी स्पेशल कलंदराबाद कबाब खाने आंदे हो? हां जी बिल्कुल। ते इथे सब कोलो ज्यादा जड़ा टेस्टी कबाब है कौन बनांदा? सर ए सामने साडे भाई है ने बाबू कबाब वाले ते अक्सर इन्हां कोल ही आने इन्हां दा टेस्ट असां पसंद है मानसेरे जुलां वापस आवां बस इन्हां कोल ही असी स्टे करने आ खाना शाना इथे ही खाने आ काफी टाइम हो गया। ते अगर घरों ते कॉल आंदी हो सी पता लगेदा हो सी कि यार जी मानसेरे गए ते वापसी ते कबाब किन के आए हो कलंदराबाद दे ए जी कोई कॉल वगैरह आंदी घरों तुसां? असी इसी वजह तो घर दसते ही ना कि मानसेरे जुलने आ दसना पै जुले ते फिर खड़ना पै जुलदा। अच्छा अच्छा खर्चे कोलो बचने जोगे तुसी फिर है कुछ आ जुलदे हो? बस की करा सर मानसेरे ते रोज दी रूटीन है हुण जुलना पैंदा है ते काम करना पैंदा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। हां जी के नाम है जी तुसा दा पहचान? मेरा खालिद जी। अच्छा खालिद भाई तुसा दा भी सुनया कलंदराबाद विच बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा कबाब बनांदे हो और बड़ा मशहूर कबाब है इना भी के पांदे हो तुसी? इस विच जी मर्दाना पांदे धनिया पांदे जमैन पांदे दला मरच हुंदी है बस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब ठीक ठाक सर तुसी इथे कलंदराबाद विच कबाब खाने आंदे हो के जा लगदा सो? बहुत आला कबाब मिलते नहीं से हर किस्म की मतलब वैरायटी तुसा लग सकती है ना। अच्छा भाई कितने अरसे तो तुसी थे कलंदराबाद दे कबाब खाने आंदे हो? तकरीबन 30 साल हो गए। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या ले जी बड़े हो ठीक हो जी? जी दुआ दुआ जी ठीक है। अच्छा, तुसी इथे कितने अरसे तो कबाब खाने आंदे? इथे ते असी तकरीबन 35-30 साल जसो को तो गुजर होंदा आनो जुलनो कलंदराबाद कबाब खाने।